Literally, I can feel I'm above the clouds. So, हमारा टोटल बिल आया। रुख हवाओं ने यूं मोड़ा कि हर शोला बुझा दिया। देखो रब ने कश्मीर को फिर से जन्नत बना दिया। जरा महसूस करके देखो इन बर्फीली वादियों को, कुछ तो तरसते ही रह जाते हैं इस जन्नत में खोने को। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साकिब खुर्शीद। कश्मीर के तीसरे व्लॉग में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आया हूं कश्मीर के एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पीर पंजाल के पहाड़ों के बीच एक छोटे से विलेज गुलमर्ग। गुलमर्ग इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू पर्शियन वर्ड्स। गुल मीन्स फ्लावर्स एंड मर्ग मीन्स मेडो, सो गुलमर्ग मीन्स मेडो ऑफ फ्लावर्स। गुलमर्ग हिल स्टेशन को बर्फीले पहाड़ों, सरसब्ज व शादाब झीलों और रंग बिरंगे फूलों से नवाजा गया है। ये दुनिया भर के मुसाफिरों के लिए मन पसंदीदा मुकाम है। ऑन द सेम टाइम इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्कीइंग डेस्टिनेशंस इन द वर्ल्ड, व्हिच इज आइडियल फॉर ट्रेन्ड एज वेल एज अमेचर स्कीयर्स। गुलमर्ग को डिस्कवर करने में जग डायनास्टी के आखिरी रूलर यूसुफ शाह चक का काफी बड़ा हाथ रहा है। गुलमर्ग इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्कीइंग डेस्टिनेशंस इन इंडिया। द स्लोप्स हियर आर मच बेटर देन एनी अदर स्लोप्स इन इंडिया, सो चले हम भी स्कीइंग का लुत्फ उठाते हैं। 1927 में अंग्रेजों का कायम किया हुआ गुलमर्ग स्कीइंग रिजॉर्ट अभी भी अपनी जगह पर मौजूद है और 2005 में गुलमर्ग गंडोला के इजाफा होने के साथ साथ गुलमर्ग दुनिया का सबसे ऊंचा स्कीइंग रिजॉर्ट बन गया। गुलमर्ग में हर लेवल के स्कीयर का इस्तकबाल किया जाता है, पहली बार आने वाले से लेकर प्रोफेशनल्स तक। गुलमर्ग में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। आपकी हिफाजत के बारे में फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ट्रेनर्स का ग्रुप रहता है जो हमेशा आपके आसपास रहता है और हमेशा इंतहाई चौकस रहता है। अब वक्त है गुलमर्ग के सबसे मशहूर मुकामात में से एक गंडोला की तरफ बढ़ने का। ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची केबल कार है। दो मरहलों पर मुश्तमिल गंडोला तकरीबन 600 लोगों को फी घंटा कोंगडोरी माउंटेन की तरफ लेके जाता है। रोपवे प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर हुकूमत और फ्रेंच की एक फर्म पुमा ग्रुप का मुश्तरका मंसूबा है, जिसे अंग्रेजी में ज्वाइंट वेंचर कहा जाता है। द रोपवे ऑपरेट्स इन टू फेजेस। The first involves picking the tourists from the Gulmarg resort, which stands at an elevation of 2,600 meters, and transporting them to Kongdori station situated in Kongdori Valley. This phase of project was constructed in the year 1998. अभी हम आए हैं फर्स्ट फेज पे और यहाँ की हाइट है 8,530 फीट। नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। और जो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है सेकेंड फेज, देयर एट द टॉप। अब वक्त है दूसरे फेज की तरफ बढ़ने का। गुलमर्ग गंडोला का दूसरा फेज 2005 में मुकम्मल हुआ था और इसे 25 मई 2008 को आवाम के हाथ किया गया था। ये सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक चलता है और इसे मैनेज करते हैं जम्मू कश्मीर केबल कार ऑपरेशंस। अभी हम सेकंड फेज पे एंड दिस फेज लिटरली टेक्स यू टू द टॉलनेस ऑफ 12,293 फीट। यहाँ का नजारा बहुत ही खूबसूरत है। लिटरली आई कैन फील आई एम अबव द क्लाउड्स। We'll be right back.
यकीन मानिए मैं ज़िंदगी में बहुत घूम चुका हूँ, लेकिन इतना खूबसूरत नज़ारा, ऐसी नेचुरल ब्यूटी मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी है। वाकई हम जन्नत कश्मीर में रहते हैं। Now it's time to move towards the most expensive 5-star hotel in Kashmir, the Khyber. Imagine waking up to the breathtaking views of the snow-capped Upavat peaks, or walking just 10 minutes to access the world's highest golf course, or just taking a few steps to get on the highest ski lift in the world. If it sounds too good to be true, trust me, the Khyber in Gulmarg will prove you wrong. 8,825 फुट की बुलंदी पर पीर पंजाल रेंज में वाका खैबर हिमालयन रिजॉर्ट गुलमर्ग का पहला लग्जरी रिजॉर्ट है और ये इसके इर्द गिर्द के वादियों और पहाड़ों के नज़ारे बखूबी पेश करता है। आज मैं आया हूँ कश्मीर के सबसे एक्सपेंसिव 5-स्टार होटल द खैबर में, और आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप यहाँ पे कभी लंच, डिनर या स्नैक्स के लिए आते हैं तो आपका बजट क्या होना चाहिए। चलें शुरू करते हैं। मैंने अपने लिए ऑर्डर किया इटालियन सैंडविच एंड कॉफी, और मेरे दोस्त के लिए पिज्जा। यहाँ आने के बाद मुझे मालूम हुआ कि इनका इंडियन डाइनिंग ऑलरेडी क्लोज हो चुका था, तो इसलिए मैं चला गया इनके इटालियन रेस्टोरेंट पे, क्योंकि इटालियन रेस्टोरेंट्स यूजुअली हेल्दी ऑप्शंस भी प्रोवाइड करते हैं, पर यहाँ की स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट थी। सो हमारा टोटल बिल आया 4,484, बट आई मस्ट से यहाँ पे ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड थे। मुझे यहाँ पे कोई भी हेल्दी ऑप्शन नहीं मिला, एंड एज फार एज टेस्ट इज कंसर्न आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मसालों का बिल्कुल भी फ्लेवर नहीं आया। बचपन में मैं अक्सर कश्मीर में हलवा पराठा खाया करता था। आज यहाँ पे हलवे की दुकान देख के मुझसे रहा नहीं गया। आखिर दिल तो बच्चा है। देखिए, ये वो चीज है जिसे आप महीने में ज्यादा से ज्यादा एक या दो बार खा सकते हैं, क्योंकि इस पराठे और हलवे को उस ऑयल में कुक किया जाता है जिसका इस्तेमाल बार बार किया जाता है, जिसकी वजह से इसमें ट्रांस फैट्स की क्वांटिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और ट्रांस फैट्स आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सो ये था आज का व्लॉग। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड मेक श्योर कि आप हेल्दी खाना खा रहे हैं और डे टू डे बेसिस पे कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर कर रहे हैं।